ये जी छोटा सा मासूम बच्चा इस तरह रोड पर सोया हुआ है, आंखें नहीं खुल रही। कहाँ से आए हो? ऊपर देखो, इधर देखो, ये देखिए आंखें नहीं खुल रही इसकी। इतनी कोशिश कर रहा हूँ आंखें खोलने की लेकिन आंखें खोल नहीं रहा। बेटा घर किधर है? माँ रो रही होगी बेचारी, परेशान होगी और अपने बेटा ढूंढ रही होगी, माँ बाप ढूंढ रहे होंगे लेकिन बच्चा यहाँ पर लेटा हुआ है, सोया हुआ है। ये स्टेट की जिम्मेदारी है, आप देखें आपको ऐसे कई बच्चे मिलेंगे, इन सब की जिम्मेदार स्टेट है मेरे भाई। नाम क्या है? मोहम्मद अली अदर। कहाँ से आए हो, घर किधर है? उकाड़े। उकाड़े? पापड़ बेचता बेचता इधर आ गए हैं। उकाड़े से इधर आ गए हो पापड़ बेचते बेचते? घर उकाड़े में है। अब्बू का नाम क्या है? मोहम्मद बच्चा। घर का पता है? ये जी छोटा सा मासूम बच्चा इस तरह रोड पर सोया हुआ है, लगता है घर से भागा हुआ है। और जो माँ बाप अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखते और ख्याल नहीं रखते हैं तो बच्चों का ये हाल होता है। ये देखें, दिखाएं ज़रा पूरा, पता नहीं कौन है ना जाने, घर से भागा हुआ है और इस तरह आकर यहाँ पर सो रहा है। उठाऊंगा मैं इससे, बात करूंगा कि घर किधर है इसका, माँ बाप किधर हैं और कहाँ से ये आया है, आखिर कौन है, क्या वजह है कि इस तरह सोया हुआ है यहाँ पर रोड के। बेटा उठो ज़रा, छोटे नशा लगता किसी ने नशा दिया होगा या तो नशा किया इसने बेटे ने। बेटा उठो ज़रा, खड़े हो जाओ, छोटे नशे में लग रहा है मुझे, बैठो ज़रा इधर। किधर से आए हो? नशा किया हुआ है इसने लगता है, नशे में है ये, छोटा सा मासूम बच्चा है। इधर देखो, इधर देखो, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें, ए आंखें खोलो, कहाँ से आए हो? अखा खोल, अखा नहीं खोल रही है, आंखें नहीं खुल रही। कहाँ से आए हो? ऊपर देखो, इधर देखो, पानी लेकर आओ जी, ये पानी इसके ऊपर गिराते हैं, लगता है किसी ने नशा दिया हुआ है और इसी तरह बच्चों को नशा करवा के बच्चों के साथ गलत काम किया जाता है, बदफैली की जाती है बच्चों के साथ। इसी तरह छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं जो घरों से भागे होते हैं। अब ये देखो, ना जाने किसका, कौन से माँ का लाल है और यहाँ पर इस तरह लेटा हुआ है, गंदी सड़क पर लेटा हुआ है और माँ बाप परेशान हो गए, ढूंढ रहे होंगे इसको लेकिन ये यहाँ पर आराम से लेटा हुआ है, सो रहा है। बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बात कर नहीं रहा। ऊपर देखो ज़रा, ऊपर नशा किया हुआ है, आँखें नहीं खोल रही है, देखें, ये देखें आँखें नहीं खुल रही इसकी। इतनी कोशिश कर रहा हूँ आँखें खोलने की लेकिन आँखें खोल नहीं रहा, नशे में है लगता है किसी ने नशा कर। ऐसी मुँह तो छट्टा मारो जरा, मुँह तो छट्टा मारो जरा, अरे मुँह उत्ते कर, छट्टा मारो मुँह उत्ते। उठो उठो बेटा, उठो जरा, उठ जा उठ जा उठ जा, नशा करवाया किसी ने, उठो इधर देखो जरा, नाश्ता किया है, इधर देखो मेरी तरह देखो, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। कहाँ से आए हो? नशा किया हुआ है, किसी ने नशा दिया है, आंखें साफ करो, आंखें साफ करो, मेरा बेटा उठो, बताओ मुझे बताओ, अम्मी अबू किधर है, अम्मी अबू किधर है, घर किधर है, घर किधर है आपका? बेटा घर किधर है, घर किधर है आपका? नहीं बताना, मैं फिर ले जाऊंगा आपको, पुलिस के हवाले करूंगा मैं आपको, पुलिस के हवाले करूंगा आपको। नाज़रीन मैं अब लेके जाऊंगा इसको तहफ़्फ़ुज़ सेंटर, ये साथ ही पुलिस मरकज़ बना हुआ है तहफ़्फ़ुज़ सेंटर, और पुलिस के हवाले करूंगा ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और ये बच्चा जहां से भागा है, माँ रो रही होगी बेचारी, परेशान होगी और अपने बेटा ढूंढ रही होगी, माँ बाप ढूंढ रहे होंगे लेकिन बच्चा यहाँ पर लेटा हुआ है, सोया हुआ है। बेटा नाम क्या है आपका, नाम क्या है, नाम क्या है? नहीं पता नाम, चलो आओ उठो उठो, ये लाद है यहाँ पर, बच्चे आ गए, लोग ज्यादा का निशाना बनाते, क्या कहें, सही बात है, माँ बाप परेशान होंगे इसके, छोटा सा मासूम बच्चा रोड पर सोया हुआ है। इसके इसकी जिम्मेदारी स्टेट की है, स्टेट की जिम्मेदारी जी, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। आप देखें आपको ऐसे कई बच्चे मिलेंगे, इन सब की जिम्मेदार स्टेट है मेरे भाई। किधर है चाइल्ड प्रोटेक्शन, किधर है इदारा,
वो चाइल्ड प्रोटेक्शन इदारा कहाँ पर है, सोरा है इस टाइम, जो बच्चों को लेकर जाते हैं और उसको अच्छी तालीम देते हैं, जो गुम हुए बच्चों को अपने माँ बाप से मिलवाते हैं, किधर है वो? ये साथ ही सामने पुलिस मरकज़ बना हुआ है, तहफ़ सेंटर क्यों नहीं लेकर जा रही? तहफ़ सेंटर ने क्यों नहीं इसको उठाया, क्यों नहीं पता किया कि आखिर ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया है और नाम क्या है? लेकिन हमारी कोशिश होगी उनके पास ले जाने की। खड़े हो जाओ, बड़े हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नाम क्या, पहले नाम बताओ। नशा दिया किसी ने? कहाँ से आए हो, हैं? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम क्या है? मोहम्मद अली अदर। कहाँ से आए हो, घर किधर है? उकाड़े। उकाड़े, यहाँ पे क्या करने आए हो? पापड़ बेचता बेचता इधर आ गए हैं, उकाड़े से इधर आ गए हो, पापड़ बेचते बेचते। गाड़ी में आए थे या कोई लेकर आया, अगवा किया किसी ने? हाँ, पापड़ बेचते बेचते उकाड़ा से लाहौर पहुंच गया, गाड़ी में बेचते थे पापड़, बेचते बेचते इधर आ गए, घर उकाड़े में है। अब्बू का नाम क्या है? घर का पता है? अगर आपको उकाड़े लेकर जाया जाए पता चल जाएगा घर का? अब्बू का नंबर है, मोबाइल नंबर, किसी का नंबर याद है घर में से? आओ तहफ़ सेंटर चलें, नादरी इसको तहफ़ सेंटर लेकर चलते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं, ताकि हमारी ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को सही सलामत घर पहुंचाया जाए और इसके माँ बाप के हवाले किया जाए, क्योंकि ये पापड़ बेचते बेचते उकाड़ा से लाहौर आ पहुंचा और कोई पूछने वाला नहीं था, यहाँ पर फुटपाथ पे सोया हुआ था, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि इसको इसके माँ बाप तक पहुँचाएँ। माँ बाप बेचारे परेशान होंगे, रोते होंगे और कितने परेशान होंगे कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा किधर है, जिगर का टुकड़ा, और जिगर का टुकड़ा यहाँ पर सो रहा है, पापड़ बेचते बेचते यहाँ पर पहुँचाया है। तो अपने बच्चों पर नज़र रखा करें, इतने छोटे बच्चों से काम मत करवाया करें। अगर हम मजबूर हैं तो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों पर ख्याल रखें, अपने बच्चों पर नज़र रखें। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था आपको, और ये एक मैसेज भी है उन माँ बाप के लिए जो लापरवाह माँ बाप हैं। तहफ़ सेंटर आ गया है, तहफ़ सेंटर के हवाले करना हमारा काम था, हमारा फ़र्ज़ था, ताकि ये बच्चा सही सलामत अपने घर पहुंच सके। ये जो पापड़ जो हाथ में पकड़े हुए हैं, ये पापड़ बेचता है, और ये पापड़ बेचते बेचते उकाड़ा से ये लाहौर आ पहुँचा, लेकिन हमारा काम है पुलिस के हवाले करना, पुलिस इसको अपने माँ बाप तक पहुँचाए, हमारा ये फ़र्ज़ था। मुझे दी गई इजाज़त, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन माँ बाप तक ये मैसेज पहुँचे जो लापरवाह रहते हैं, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते। अल्लाह हाफिज़।